नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। निर्देशन यानी कि गाइडेंस, इसको अगर सामान्य रूप से देखें तो जैसे कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके कार्य का जो भी वह संपादन कर रहा है उसका सही तरीके बताना, जैसे कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों को किसी कार्य का संपादन के समय यह बताया जाता है कि इस कार्य को इस प्रकार से करो। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में इसे देखें तो इसका एक तकनीकी अर्थ होता है। इसमें जो है किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी अपनी समस्या को हल करने हेतु उसकी अपनी क्षमता एवं योग्यता का ज्ञान कराने एवं उसे जो है तदनुकूल समस्या के हल करने के लिए तैयार करने से होता है। समस्या का हल तो वह फिर स्वयं करता है। हॉरिंस के शब्दों में देखें तो निर्देशन का अर्थ है व्यक्ति को उसकी शक्तियों का ज्ञान इस प्रकार कराने से है कि वह अपनी शक्तियों को पहचानने और उसके द्वारा समस्या को हल करे। इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि निर्देशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्देशक यानी कि जो मनोवैज्ञानिक होता है, जो गाइड करता है, वह व्यक्ति विशेष को उसकी अपनी समस्या से संबंधित पहले उसका समस्या सुनता है, फिर उसका क्षमता और योग्यता को देखता है और उसका ज्ञान कराता है कि तुम्हारे अंदर इतना योग्यता है और इससे जो है तुम अपने समस्या को हल कर सकते हो। और जो व्यक्ति सुनता है वह अपनी समस्या को हल फिर स्वयं कर लेता है। तो यही जो है निर्देशन यानी कि गाइडेंस है। धन्यवाद।